लास्ट वीडियो में हमने इन रेडियस के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। इस वीडियो में हम इन रेडियस के टर्म्स में कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। इन रेडियस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। सर्कम रेडियस इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा से। और जो सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ एस, उसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो अगर ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, तो वर्टेक्स ए के ऑपोजिट जो साइड होगा दैट इज़ बी सी, उसकी लेंथ होती है ए के इक्वल। वर्टेक्स बी के ऑपोजिट जो साइड होता है उसकी लेंथ होती है बी के इक्वल। एंड वर्टेक्स सी के ऑपोजिट जो साइड होता है उसकी लेंथ होती है सी के इक्वल। तो एस का जो फॉर्मूला है, एस होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, हमारा पेरीमीटर है, बट हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो ये डिवाइड बाय टू हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू। अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। तो फर्स्ट हमें प्रूफ करना है इन रेडियस की वैल्यू होती है डेल्टा बाई एस के इक्वल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे हमारे पास ये ए बी सी जो ट्राइंगल है थ्री ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है। एक है ए आई बी, सेकेंड ट्राइंगल है बी आई सी, एंड थर्ड ट्राइंगल है सी आई ए। तो अगर इन तीनों के एरियाज़ को अगर हम सम कर दें तो ये हमें पूरे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आई ए, ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बी आई ए में आई एफ जो है ये एल्टीट्यूड है ट्राइंगल का, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू बेस है ए बी एंड एल्टीट्यूड इज आई एफ, तो ये हो गया आई एफ प्लस हाफ इंटू ट्राइंगल बी आई सी में बेस जो है वो है बी सी एंड एल्टीट्यूड इज आई डी प्लस हाफ इंटू ट्राइंगल सी आई ए में हमारा जो बेस है दैट इज़ ए सी एंड हाइट इज आई ई, तो ये आई ई हो गया। अब अगर हम देखें आई एफ आई डी एंड आई ई, ये सेंटर से पास हो रहा है सर्कल के इक्वल, ये सर्कल के रेडियस के इक्वल है दैट इज़ आर, तो यहाँ पे हमें मिलेगा हाफ इंटू ए बी की लेंथ इज सी एंड दिस इज इक्वल इंटू आर प्लस हाफ इंटू बी सी की जो लेंथ है दैट इज़ ए एंड आई डी इज़ आर प्लस हाफ इंटू बी इंटू आर। तो अगर हम हाफ इंटू आर कॉमन ले लें दैट इज़ आर बाई टू कॉमन, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो ये पेरीमीटर बाई टू है दैट इज सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से आएगा डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस, तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई डेल्टा अपॉन एस। तो यही हमें प्रूफ करना था फर्स्ट, तो ये हमने फर्स्ट प्रूफ देख लिया कि इन रेडियस की वैल्यू इज़ डेल्टा अपॉन एस। अब नेक्स्ट डेरिवेशन हमें देखना है कि इन रेडियस की वैल्यू इज़ इक्वल टू एस माइनस ए इंटू टैन ऑफ ए बाई टू, ठीक है। तो सेकेंड प्रूफ अगर हम देखते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, दैट इज़ एस माइनस ए इंटू टैन ऑफ ए बाई टू। तो लास्ट वीडियोज़ में हमने टैन ऑफ ए बाई टू की वैल्यू फाइंड की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ टैन ऑफ ए बाई टू, हमारे पास होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल अपॉन एस इंटू एस माइनस ऑफ ए, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस अपॉन अंडर रूट में एस। तो इसको अंडर रूट ऑफ एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस। एंड बाय हेरॉन्स फार्मूला हमें पता है कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होता है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल है बाय हेरॉन्स फार्मूला, और ये भी हमने प्रूफ किया था पहले, ठीक है। तो इसको ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस के इक्वल। और अभी फर्स्ट प्रूफ में हमने देखा कि डेल्टा अपॉन एस इज इक्वल टू आर, तो ये आर के इक्वल आ गया। दैट मीन्स एस माइनस ए इंटू टैन ऑफ ए बाई टू,
ये आर के इक्वल है और ये हमें प्रूफ करना था, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया, तो इससे हमारा सेकेंड रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, अब हमें थर्ड में ये डिराइव करना है कि स्मॉल आर दैट इज़ इन रेडियस इज इक्वल टू 4 इंटू सर्कम रेडियस इंटू साइन ऑफ ए बाई टू साइन ऑफ बी बाई टू साइन ऑफ सी बाई टू। तो थर्ड में हमें क्या गिवन है कि 4 आर साइन ऑफ ए बाई टू साइन ऑफ बी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी बाई टू। तो अगर हम इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, दैट इज़ 4 आर इंटू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी इंटू अंडर रूट ऑफ एस साइन ऑफ बी बाई टू होता है साइन ऑफ एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन ए सी एंड साइन ऑफ सी बाई टू इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 आर इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल अपॉन ए बी सी, और हमें ये इसको मैं से लिख सकता है 1 अपॉन ए बी सी 4 आर, और इसको एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में एस। ठीक है, तो हमें पता है कि जो डेल एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है इसको हम ए बी सी बाई 4 आर लिखते हैं, एंड अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी दिस इज़ इक्वल टू डेल्टा। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा, तो डेल्टा इंटू एस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा डेल्टा बाई एस, एंड डेल्टा बाई एस की वैल्यू हमने अभी देखी थी आर के इक्वल होता है। दैट मीन्स इससे हमारे पास आया कि 4 आर साइन ऑफ ए बाई टू साइन ऑफ बी बाई टू एंड साइन ऑफ सी बाई टू, ये हो गया हमारे पास आर के इक्वल, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हमने थर्ड रिजल्ट को भी प्रूफ कर दिया। तो इस वीडियो में हमने 3 प्रूफ्स देखे जिससे हमने इन रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया है डिफरेंट वेज में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन रेडियस की हेल्प से और फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे।